हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज अंशुराज गुप्ता एंड वेलकम टू अंशु बायोलॉजी एजुकेशन सेंटर। आज हम लोग ऑब्जेक्टिव देखेंगे ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन का। चैनल पर जो भी नया, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, नंबर ऑफ डेथ रेट ड्यूरिंग द लिमिटेड टाइम पीरियड एंड प्लेस फॉर द पर्टिकुलर पॉपुलेशन इज नोन एज। नंबर ऑफ डेथ, डेथ हो रहा है उसको क्या बोलेंगे, नेटैलिटी बोलेंगे, मोर्टैलिटी बोलेंगे, माइग्रेटरी बोलेंगे या इंटीग्रिटी बोलेंगे। डेथ होता है इसको जो है ना, इसको बोला जाता है मोर्टैलिटी। अगर बर्थ होता तो उसको बोला जाता नेटैलिटी। बर्थ से रिलेटेड अगर आएगा तो नेटैलिटी होगा, और अगर डेथ से रिलेटेड आएगा तो मोर्टैलिटी होगा। एम्फीबियन अमंग प्लांट बिलोंग्स टू एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स। एम्फीबियन जो है ना किससे बिलोंग करता है, तो एम्फीबियन जो है ये बिलोंग करता है ब्रायोफाइट से। ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एज स्ट्रक्चर इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट किया जाता है एज को, ये किसका कैरेक्टरिस्टिक्स है, लैंडस्केप का है, बायोटिक कम्युनिटी का है, पॉपुलेशन का है या इकोसिस्टम का है। एज रिप्रेजेंटेशन किया जाता है इसको बोला जाता है पॉपुलेशन। इसको क्या बोला जाएगा, पॉपुलेशन बोला जाएगा। नेम द हैबिटेट इन द डेसिमल सॉइल टेम्परेचर वेरीज मोस्ट, क्या वेरी करता है, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, सर्ब लैंड या डिजर्ट। यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा डिजर्ट। यहाँ पे क्या होगा, डिजर्ट करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, अमेंसलिज्म इज एन एसोसिएटेड विथ टू स्पेसिस वेयर। अमेंसलिज्म किससे रिलेटेड है, वन स्पेसिस को हार्म होता है और अदर को बेनिफिट होता है, या एक स्पेसिस को हार्म होगा और दूसरे को अनअफेक्टेड होता है, यानी कोई अफेक्ट ही नहीं होता है। एक स्पेसिस को बेनिफिट होता है और दूसरे जो है ना वो अनअफेक्टेड होता है, या बोथ स्पेसिस हार्म्ड होता है। अमेंसलिज्म में जो है ना, एक को हार्म होता है और दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, ऑप्शन नंबर बी मैच हो रहा है। एक स्पेसिस को हार्म हुआ और दूसरे को कोई भी अफेक्ट नहीं हुआ, एक होता है कमेंसलिज्म। कमेंसलिज्म में जो है ना, एक स्पेसिस को बेनिफिट होता है और दूसरे को अनअफेक्टेड होता है, ये है कमेंसलिज्म। और दोनों को हार्म हो रहा है उसको बोला जाता है कंपटीशन, और दोनों को अगर बेनिफिट होता है तो उसको बोला जाता है म्यूचुअलिज्म। और एक स्पेसिस को हार्म हो रहा है और दूसरे को जो है ना बेनिफिट हो रहा है, तो इसको जो है ना, इसको बोला जाता है पैरासिटिज्म। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉरेस्ट प्लांट कंट्रोल द लाइट कंडीशन एट द ग्राउंड, लायंस एंड क्लिम्बर, श्रब्स, टॉल ट्री या हर्ब्स। यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा टॉल ट्रीज। सॉल्ट कंसेंट्रेशन ऑफ द सी मेजर द पार्ट पर थाउजेंड इज, कितना होता है सॉल्ट कंसेंट्रेशन सी में, 10 to 15, 30 to 70, 0 to 5 या 30 to 35। यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा 30 to 35 होता है। द रेट ऑफ इंडिविजुअल टेकिंग अ बर्थ पर थाउजेंड ईयर इज कॉल्ड, इंडिविजुअल बर्थ ले रहा है उसको क्या बोलेंगे, मोर्टैलिटी रेट, वाइटल रेट, नेटैलिटी रेट या ग्रोथ रेट। बर्थ ले रहा है उसको बोलते हैं नेटैलिटी रेट, डेथ होगा तो उसको बोलते हैं मोर्टैलिटी रेट। थ्योरी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन वॉज रिटन बाय, थ्योरी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन कौन लिखे, चार्ल्स डार्विन, वायलेंस, माल्थस या लेमार्क। यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा माल्थस। द मैक्सिमम ग्रोथ रेट अकर इन, मैक्सिमम ग्रोथ रेट जो है ना वो किस में होगा, लैग फेज में, एक्सपोनेंशियल फेज में, स्टेशनरी फेज में, सेनेसेंट फेज में। मैक्सिमम ग्रोथ जो है ना ये होता है एक्सपोनेंशियल फेज में, एक्सपोनेंशियल फेज में होता है। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैबिटेट डज डायरूनल टेम्परेचर ऑफ सॉइल सरफेस वेरीज मोस्ट, यहाँ पे सेम क्वेश्चन आया है, इसका आंसर होगा डिजर्ट। एनिमल अंडरगोज इनएक्टिव स्टेज ड्यूरिंग विंटर, विंटर का टाइम में जो है ना एनिमल जो है इनएक्टिव स्टेज में होता है उसको क्या बोला जाता है, एलिमेटाइजेशन, हाइबरनेशन, एस्टिवेशन या अडेप्टेशन। इसको जो है ना, इसको बोला जाता है हाइबरनेशन। यही अगर विंटर के जगह पे अगर समर कर दिया जाए तो आंसर होता है एस्टिवेशन। अगर समर रहता तो एस्टिवेशन, और अगर विंटर है तो हाइबरनेशन।
ओजोन प्रोटेक्ट बायोस्फेयर फ्रॉम हाई एनर्जेटिक्स। ओजोन जो है ना बायोस्फेयर को प्रोटेक्ट किससे कर रहा है, अल्ट्रावायलेट रे से, इंफ्रारेड से, या गामा रे से, या एक्सरे से। ओजोन जो है ना ये प्रोटेक्ट कर रहा है अल्ट्रावायलेट रे से। माइकोराइजा इज एन एग्जाम्पल ऑफ, माइकोराइजा जो है ये किसका एग्जाम्पल है, डिकम्पोजर्स का है, इंडो पैरासिटिज्म का है, या सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, या इक्टो पैरासिटिज्म है। माइकोराइजा जो है ना ये एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। प्लांट ग्रोइंग इन ए सलाइन सॉइल विथ ए हाई सॉइल कंसेंट्रेशन आर, जीरोफाइट्स जो है वो ग्रो करेगा, या हेलोफाइट्स ग्रो करता है, या हेलियोफाइट्स ग्रो करता है, या हाइड्रोफाइट्स ग्रो करता है। यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा हाइड्रोफाइट्स, प्लांट जो है ना ये ग्रो करता है। वेन बर्थ और इक्वल टू डेथ, बर्थ जो है ना डेथ से इक्वल है, इसको क्या बोलेंगे, प्लेटियो स्टेज बोलेंगे, एक्सपोनेंशियल स्टेज बोलेंगे, अर्ली ग्रोथ स्टेज बोलेंगे, या एक्सेलरेशन स्टेज बोलेंगे। इसको जो है ना इसको बोला जाता है प्लेटियो स्टेज। इसको क्या बोला जाता है, प्लेटियो स्टेज बोला जाता है। विच प्लांट इज फाउंड इन मैनग्रोव जोन, मैनग्रोव जोन में जो है ना कौन सा प्लांट जो है फॉर्म होता है, राइजोफोरा, एकेसिया, पाइनस, टेक्टोना ग्रैडिस। मैनग्रोव जोन में जो है ना राइजोफोरा जो है ये प्लांट फॉर्म होता है। विच प्लांट फाउंड, यहाँ पे सेम क्वेश्चन है, आंसर यहाँ पे यही होगा राइजोफोरा। सॉइल ट्रांसपोर्ट बाय एयर इज एलुवियल, कोलुवियल, या इलोइन, या ग्लेशियन। कौन सा सॉइल जो है ना ट्रांसपोर्ट होता है एयर के द्वारा, यहाँ पे आंसर होगा इलोइन सॉइल। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन रिजल्ट इन, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन जो है ना इसे क्या होगा, रिप्रोडक्शन इन इनकम, रिप्रोडक्शन इन लैंड, रिप्रोडक्शन इन माइनरल, या ऑल ऑफ दीज। यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ अबायोटिक फैक्टर, अबायोटिक फैक्टर का एग्जाम्पल नहीं है, टेम्परेचर, प्रेशर, सॉइल, लाइट। करेक्ट आंसर होगा प्रेशर। प्रेशर जो है ना ये अबायोटिक फैक्टर का एग्जाम्पल नहीं है, टेम्परेचर, सॉइल, लाइट, ये तीनों जो है ना ये अबायोटिक फैक्टर का एग्जाम्पल है। फादर ऑफ इकोलॉजी, फादर ऑफ इकोलॉजी जो है ना कौन है, हेकल, मिश्रा, राइटर, या बैंथम। अगर टर्म इकोलॉजी पूछता तो आंसर यहाँ पे होता है हेकल, और अगर फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी बोला जाता तो आंसर होता मिश्रा, लेकिन यहाँ पे बोला जा रहा है फादर ऑफ इकोलॉजी, तो आंसर यहाँ पे होगा राइटर। फादर ऑफ इकोलॉजी, राइटर, फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी तो मिश्रा, और अगर टर्म इकोलॉजी के बारे में पूछा जाए तो हेकल। बेसिक यूनिट ऑफ इकोलॉजिकल हिरार्कीज इज, बेसिक यूनिट क्या होता है, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम, इंडिविजुअल। बेसिक यूनिट होता है इंडिविजुअल, इंडिविजुअल के बाद होता है पॉपुलेशन, पॉपुलेशन के बाद होता है कम्युनिटी, कम्युनिटी के बाद होता है इकोसिस्टम, इकोसिस्टम के बाद होता है लैंडस्केप, लैंडस्केप के बाद होता है बायोम्स, और बायोम्स के बाद होता है बायोस्फीयर। सेवरल प्लांट्स एंड एनिमल्स स्पेसीज प्रेजेंट टूगेदर एट ए प्लेस कंस्टिट्यूएट ए, प्लांट और एनिमल्स जो है ना साथ में रह रहा है उसको क्या बोलेंगे, जीनस बोलेंगे, पॉपुलेशन बोलेंगे, बायोम बोलेंगे, या कम्युनिटी बोलेंगे। प्लांट और एनिमल दोनों है तो इसको जो है ना इसको बोलेंगे पॉपुलेशन। द ब्रांच ऑफ साइंस विच स्टडी द इंट्रैक्शन अमंग द ऑर्गेनिज्म एंड बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड फिजिकल इन्वायरमेंट इज कॉल्ड एपिडो मियोलॉजी, इकोलॉजी, इथोलॉजी, या इटियोलॉजी। इंट्रैक्शन हो रहा है ऑर्गेनिज्म और ऑर्गेनिज्म और फिजिकल इन्वायरमेंट के बीच में, इसको क्या बोलते हैं, इसको इकोलॉजी बोलते हैं। नीच ओवरलैप इंडिकेट्स म्यूचुअलिज्म बिटवीन टू स्पेसीज, एक्टिव कोऑपरेशन बिटवीन टू स्पेसीज, टू डिफरेंट पैरासाइट्स ऑन द सेम होस्ट, या शेयरिंग ऑफ वन और टू रिसोर्सेस बिटवीन द टू स्पेसीज। नीच का मतलब क्या होगा, इसका मतलब है शेयरिंग ऑफ वन और मोर रिसोर्सेस बिटवीन द टू स्पेसीज। सीजनल वेरिएशन ऑन द अर्थ अकर ड्यू टू इट्स, सीजनली जो वेरिएशन होता है ना अर्थ पे वो किसके कारण होगा, टाइटल्ड एक्सिस के कारण, या रोटेशन अराउंड इट्स ऑन एक्सिस के कारण, या रिवोल्यूशन अराउंड द सन के कारण, या बोथ ए एंड सी के कारण होता है। यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा बोथ ए एंड सी, टाइटल्ड एक्सिस और रिवोल्यूशन अराउंड द सन, ये दोनों यहाँ पे इसके कारण जो है ना सीजनल वेरिएशन होता है।
डिफरेंट बायोम्स आर फॉर्म्ड, डिफरेंट बायोम्स बन रहा ड्यू टू द एनुअल वेरिएशन इन ए ब्लैंक्स ओवर द अर्थ सरफेस, टेम्परेचर, प्रेसिपिटेट, इंसिडेंट, सोलर रेडिएशन या ऑल ऑफ दिस। यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ दिस, ऑल ऑफ दिस होगा, टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन और इंसिडेंट सोलर रेडिएशन, ये तीनों ऑप्शन करेक्ट है। ये तीनों से जो है ना अलग अलग प्रकार का बायोम का फॉर्मेशन हो सकता है। डिजर्ट, रेन फॉरेस्ट, टुंड्रा, ईटीसी आर द एग्जाम्पल ऑफ, ये किसका एग्जाम्पल है, कम्युनिटी का, बायोम का, इकोसिस्टम का या पॉपुलेशन का। डिजर्ट, रेन फॉरेस्ट, टुंड्रा, ये सब जो है ना ये एग्जाम्पल है बायोम का। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टेरेस्ट्रियल बायोम आर स्ट्रॉन्गली इन्फ्लुएंस्ड बाय इट्स, टेरेस्ट्रियल बायोम्स जो है ना ये इन्फ्लुएंस किसके द्वारा, फ्लोरा, क्लाइमेट्स, फौना या ऑल ऑफ दिस। फ्लोरा प्लांट से रिलेटेड होता है और फौना एनिमल से रिलेटेड होता है। यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ दिस, ये तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स से जो है ना इन्फ्लुएंस होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ ऑर्गेनिजम्स फिजिकल इन्वायरमेंट, फिजिकल इन्वायरमेंट से जो है ना रिलेटेड नहीं है, टेम्परेचर, लाइट, अदर ऑर्गेनिज्म या ह्यूमिडिटी। यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा अदर ऑर्गेनिज्म, ये फिजिकल इन्वायरमेंट से रिलेटेड नहीं है, टेम्परेचर, लाइट, ह्यूमिडिटी ये तीनों जो है ना ये फिजिकल इन्वायरमेंट से रिलेटेड है या उसका पार्ट है। मैंगो ट्री डू नॉट एंड कैन नॉट ग्रो इन टेम्परेट रीजन, मैंगो जो है ना टेम्परेट रीजन में ग्रो नहीं करता, द मोस्ट इन्वायरमेंटल फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट इज, किसके कारण जो है ना ग्रो नहीं करता, सॉइल के कारण या टेम्परेचर के कारण या वाटर के कारण या नन ऑफ दिस के कारण। टेम्परेट रीजन में जो है ना टेम्परेचर के कारण जो है ग्रो नहीं करता है। मैंगो जो है ना ये ग्रो करता है ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में। टेम्परेचर इज कंसिडर्ड एज द मोस्ट इकोलॉजिकल रिलीवेंट इन्वायरमेंट फैक्टर बिकॉज इट अफेक्ट ऑफ ऑर्गेनिजम्स, किस प्रकार से ऑर्गेनिज्म को अफेक्ट करता है टेम्परेचर, फिजियोलॉजिकली करता है, मॉर्फोलॉजिकली करता है, ज्योग्राफिकली करता है या ऑल ऑफ दिस करता है। यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ दिस, फिजियोलॉजिकली भी अफेक्ट करता है, मॉर्फोलॉजिकली भी अफेक्ट करता है और ज्योग्राफिकली भी अफेक्ट करता है। टर्म इकोलॉजी गिवन बाय हेकल, राइटर, मिश्रा या नन ऑफ दिस। टर्म इकोलॉजी कौन दिए थे, हेकल दिए थे। अ फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म कैन नॉट सर्वाइव इन द वाटर बॉडी, फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म जो है ना वाटर बॉडी में सर्वाइव नहीं कर सकता है, डेट इट हैज अ ग्रेटर ब्लैंक्स देन इट्स ओरिजिनल हैबिटेट, ऑक्सीजन कंटेंट के कारण सर्वाइव नहीं कर सकता है या ज्यादा गहराई के कारण जो है ना सर्वाइव नहीं कर सकता है या साल्ट कंसेंट्रेशन के कारण नहीं कर सकता है या वाटर क्लैरिटी के कारण नहीं कर सकता है। पानी में जो है ना पानी में ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं करता है तो वो किसके कारण नहीं करता है, साल्ट कंसेंट्रेशन के कारण नहीं करता। अगर साल्ट कंसेंट्रेशन कम है तो वहां पे जो है ना इजिली सर्वाइव कर सकता है ऑर्गेनिज्म। नेचर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल डिपेंड्स अपॉन, नेचर और प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल जो है ना किस पे डिपेंड करता है, क्लाइमेट पे, वेदरिंग प्रोसेस पे, डेवलपमेंट ऑफ सॉइल पे या ऑल ऑफ दिस पे। सॉइल का प्रॉपर्टी ये तीनों पे डिपेंड करता है, क्लाइमेट पे भी डिपेंड करता है, वेदरिंग प्रोसेस पे भी डिपेंड करता है और डेवलपमेंट ऑफ सॉइल पे भी जो है ना डिपेंड करता है। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल डिपेंड्स अपॉन, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो है ना सॉइल का वो किस पे डिपेंड करता है, केमिकली कंपोजिशन ऑफ सॉइल पे डिपेंड करता है या पार्टिकल साइज ऑफ सॉइल पे डिपेंड करता है या एग्रीगेशन ऑफ सॉइल पार्टिकल पे करता है या ऑल ऑफ दिस पे करता है। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो है ना सॉइल का ये डिपेंड ये तीनों पे करता है, केमिकल कंपोजिशन ऑफ सॉइल पे भी करता है, पार्टिकल साइज पे भी करता है और एग्रीगेशन पे भी करता है। एन एनिमल्स दैट कैन सर्वाइव एट 10 डिग्री सेल्सियस एंड 40 डिग्री सेल्सियस बोथ कैन बी प्लेस अंडर द कैटेगरी ऑफ, कहाँ पे इसको रखा जाएगा, कन्फॉर्मर में रखा जाएगा, रेगुलेटर में रखा जाएगा, माइग्रेटरी ऑर्गेनिज्म में रखा जाएगा या मॉडिफायर्स में रखा जाएगा। यहाँ पे बोला जा रहा है ना कि एनिमल्स है वो 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है वहां पे भी सर्वाइव कर रहा है और 40 डिग्री सेल्सियस में भी सर्वाइव कर रहा है, तो इसको किसके कैटेगरी के अंदर में रखा जाएगा, किसके कैटेगरी के अंदर में रखा जाएगा,
तो ये जो है ना, ये रखा जाएगा रेगुलेटर के अंडर में। ये कहां पे रखा जाएगा? रेगुलेटर के अंडर में रखा जाएगा। अब यहां पे जो है ना, रेगुलेटर क्यों हुआ? रेगुलेटर जो है ना यहाँ पे आंसर क्यों हुआ? क्योंकि जो है ना, ये जो है इंटरनल टेम्परेचर को जो है ना रेगुलेट करता है, इंटरनल टेम्परेचर को रेगुलेट कर लेता है। और कॉन्फॉर्मर जो है ना, ये रेगुलेट नहीं करता, ये वैरी करता जाता है। और माइग्रेटरी का मतलब क्या होता है? यानी एक जगह से दूसरे जगह जाना। अब जो है ना, ये लोग माइग्रेट क्यों करते हैं? जैसे एग्जाम्पल है बर्ड का, तो बर्ड जो है ना ये माइग्रेट करता है। क्यों करता है? वो इसलिए करता है ना क्योंकि वहां पे जो है ना उसके लिए अनफेवरेबल कंडीशन आ जाता है, जिसके कारण जो है ना वो वहां से जो है ना कहीं और चला जाता है। और वो जाता कहाँ पे है? जहां पे उसके लिए फेवरेबल कंडीशन हो। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, ऑर्गेनिज्म डेट कैन मेंटेन अ कॉन्स्टेंट इंटरनल टेम्परेचर। इंटरनल टेम्परेचर को जो है ना मेंटेन कर रहा, उसको क्या बोलते हैं? होम्योस्टेसिस बोलते हैं, हेट्रोस्टेसिस बोलते हैं, ओलिगोथर्मिक बोलते हैं, ये हेट्रोथर्मिक बोलते हैं। इसको जो है ना, इसको बोलते हैं होम्योस्टेसिस। इसको क्या बोलते हैं? होम्योस्टेसिस बोलते हैं। एक्सटर्नल टेम्परेचर जो है ना ये वैरी करेगा, लेकिन इंटरनल टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रहता है। When we are in a hot room, we sweat profusely. It is a blanks means of maintaining homeostasis. कैसे मेंटेन होगा? बाय मॉर्फोलॉजिकली होगा, या फिजियोलॉजिकली होगा, या बिहेवियरली होगा, या नन ऑफ दिस होगा। यहाँ पे करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा फिजियोलॉजिकली। फिजियोलॉजिकली होगा यहाँ पे आंसर। Which of the following is an example? Sorry, important है यहाँ पे। Important adaptation of animals to the cold climate: thin layer of body fats, aestivation, increased tendency of shivering, या reduce the surface area to volume ratio। यहाँ पे कौन सा adaptation correct होगा cold climate के लिए? कोल्ड क्लाइमेट के लिए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो को जो है ना रिड्यूस करना। When organism change their location to escape from harsh environment, it is called a change location। कहने का मतलब है एक जगह से दूसरे जगह जाना। इसको क्या बोला जाता है? हाइबरनेशन बोला जाएगा, या वर्नलाइजेशन बोला जाएगा, या माइग्रेशन बोला जाएगा, या एस्टिबेशन बोला जाएगा। इसको जो है ना, इसको बोला जाता है माइग्रेशन। इसको क्या बोला जाता है? माइग्रेशन बोला जाता है। हाइबरनेशन का मतलब क्या होता है? इनएक्टिव स्टेज होता है ड्यूरिंग विंटर। विंटर के टाइम में जो है ना इनएक्टिव हो जाता है कुछ ऑर्गेनिजम्स। और एस्टिवेशन का मतलब होता है समर के टाइम में इनएक्टिव हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑर्गेनिज्म शोज द माइग्रेशन इन ऑर्डर टू अवॉइड अनफेवरेबल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर, फूड अवेलेबिलिटी, प्रिसिपिटेट, या ऑल ऑफ दिस। यहाँ पे सिंपली बोला जा रहा है ना कि माइग्रेशन जो है ना ऑर्गेनिज्म क्यों करता है? तो टेम्परेचर, फूड अवेलेबिलिटी और प्रिसिपिटेट, ये तीनों ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। टेम्परेचर अगर ज्यादा हो जाए तो वहां पे जो है ना वो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर पाता है, जिसके कारण जो है ना वो दूसरे जगह पे चला जाता है। अब वहां पे रह रहा है और वहां पे जो है ना फूड जो है ना वहां पे खत्म हो गया, यानी समाप्त हो गया, तो वो जो है ना वो कहीं और जो है ना माइग्रेट कर जाता है। इस प्रकार से जो है ना माइग्रेशन होता है। अडेप्टेशन में भी, अडेप्टेशन जो है ना बिहेवियरली होगा, मॉर्फोलॉजिकली होगा, या फिजियोलॉजिकली होगा, या ऑल ऑफ दिस से होगा। अडेप्टेशन जो है ना बिहेवियरली भी होता है, मॉर्फोलॉजिकल भी होता है, और फिजियोलॉजिकल भी होता है। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑल ऑफ दिस। ब्लैंक्स इज एन एट्रीब्यूट ऑफ ऑर्गेनिज्म मॉर्फोलॉजिकली, फिजियोलॉजिकली, बिहेवियरली टू सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस करता है हैबिटेट में। उसको क्या बोलते हैं? माइग्रेशन बोलते हैं, हाइबरनेशन बोलते हैं, एडेप्टेशन बोलते हैं, हेम्योस्टेसिस बोलते हैं। माइग्रेशन का मतलब क्या होता है? एक जगह से दूसरे जगह जाना। यहाँ पे तो उससे रिलेटेड दिया हुआ नहीं है। हाइबरनेशन का मतलब क्या होता है? इनएक्टिव स्टेज होता है ड्यूरिंग विंटर सीजन। विंटर सीजन के टाइम में इनएक्टिव जो है ना स्टेज होता है, उससे रिलेटेड भी यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। हेम्योस्टेसिस का मतलब क्या होता है? इंटरनल टेम्परेचर को कांस्टेंट रखता है और एक्सटर्नल टेम्परेचर वायरी करता है, तो उससे रिलेटेड भी यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। तो बचा क्या? अडेप्टेशन। और अभी अभी हम लोग देखें, मॉर्फोलॉजिकली भी होता है, फिजियोलॉजिकली भी होता है, बिहेवियरली भी होता है।
नेक्स्ट है ओपांसिया हैज स्पाइन लाइक लिप्स विच हेल्प इन, ये जो है ना ये किस में हेल्प करता है, रिड्यूसिंग द रेट ऑफ रिस्पायरेशन या इंक्रीजिंग द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन या इंक्रीजिंग द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस या रिड्यूसिंग द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, ये जो है ना ये हेल्प करता है ट्रांसपायरेशन प्रोसेस को रिड्यूस करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लैंक्स जनरली हैव अ शॉर्टर ईयर्स एंड लिम्स टू मिनिमाइज द हीट लॉस, आइलेंस रूल होगा, बर्गर्स रूल होगा, बॉर्ग रूल्स होगा या पॉवेल्स रूल्स होगा, ये जो है ना ये किसमें जो है शॉर्ट ईयर्स हो जाता है और लिम्स हो जाता है और हीट लॉस भी मिनिमाइज हो जाता है, ये होता है आइलेंड रूल में, ये किसमें होता है आइलेंड रूल्स में होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज एडैप्टिक फैक्टर, एडैप्टिक फैक्टर जो है ना किसको बोला जाता है, क्लाइमेट को बोला जाता है या सॉइल को बोला जाता है या एयर को बोला जाता है या वाटर को बोला जाता है, एडैप्टिक फैक्टर का जो फैक्टर है ना वो होता है सॉइल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्लाइमेटिक फैक्टर, क्लाइमेटिक फैक्टर यहाँ पे क्या होगा, टेम्परेचर, वाटर, एयर या ऑल ऑफ दिस, क्लाइमेटिक फैक्टर ये तीनों होता है, टेम्परेचर, वाटर, एयर ये तीनों जो है ना ये क्लाइमेटिक फैक्टर ही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्वाटिक बायोम्स, एक्वाटिक बायोम्स यहाँ पे बोला जा रहा है, टैगा, कोरल रीफ, डिजर्ट या ऑल ऑफ दिस, यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा कोरल रीफ। नेक्स्ट है लिविंग कंपोनेंट ऑफ बायोस्फेयर, लिविंग कंपोनेंट ऑफ बायोस्फेयर प्लांट, एनिमल, माइक्रोब्स या ऑल ऑफ दिस, यहाँ पे आंसर ये तीनों होगा प्लांट, एनिमल और माइक्रोब्स, ये तीनों लिविंग कंपोनेंट हैं। टेम्परेचर वेरी फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड्स पोल, टेम्परेचर डिक्रीज करता है या इंक्रीज करता है या बोथ होगा या नन ऑफ दिस होगा, इस प्रकार से है, यहाँ पे ये हुआ इक्वेटर और ये हुआ पोल, ये है इक्वेटर और ये है पोल, इस प्रकार से जो है ना जा रहा, तो यहाँ पे जो है ना इक्वेटर से पोल जब भी जाता है तो टेम्परेचर जो है डिक्रीज करता है, टेम्परेचर क्या होता है डिक्रीज होता है, इक्वेटर से पोल के तरफ में टेम्परेचर जो है डिक्रीज होगा, तो यहाँ पे आंसर होगा डिक्रीज। लाइफ ओरिजिनेट इन, लाइफ कहाँ पे ओरिजिनेट हुआ है, टेम्परेचर, वाटर, लाइट या नन ऑफ दिस, लाइफ जो है ना ये वाटर में ओरिजिनेट हुआ है। विजिबल रेंज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इज 400 नैनोमीटर टू 800 नैनोमीटर, 200 नैनोमीटर टू 280 नैनोमीटर या 800 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर या नन ऑफ दिस, विजिबल रेंज कितना होता है, विजिबल रेंज होता है 400 नैनोमीटर टू 800 नैनोमीटर, एमस्ट्रोन में अगर बोला जाए तो 4000 एमस्ट्रोन टू 8000 एमस्ट्रोन होगा। ट्रोपोस्फेयर कंटेन, ट्रोपोस्फेयर में क्या आता है, विंड, क्लाउड, डस्ट या ऑल ऑफ दिस, ट्रोपोस्फेयर में ये तीनों आएगा, ट्रोपोस्फेयर में ये तीनों आएगा, विंड भी आता है, क्लाउड्स भी आता है, डस्ट भी आता है। ट्रोपोस्फेयर के बाद आता है स्ट्रेटोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर में ही जो है ना ओजोन मिलता है। व्हेन एयर ट्रेवल विथ हाई स्पीड, हाई स्पीड से जो है ना एयर ट्रेवल कर रहा है उसको क्या बोलेंगे, विंड, स्टॉर्म, बोथ या नन ऑफ दिस, एयर जो है ना हाई स्पीड के साथ ट्रेवल कर रहा है इसको क्या बोलेंगे, इसको जो है ना इसको स्टॉर्म बोलेंगे। ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम स्पेसिस इज कॉल्ड, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम स्पेसिस, स्पेसिस सेम है उसको क्या बोलेंगे, इंडिविजुअल, पॉपुलेशन, कम्युनिटी या ऑल ऑफ दिस, इसको बोलेंगे पॉपुलेशन। स्टडी ऑफ पॉपुलेशन इज, स्टडी ऑफ पॉपुलेशन को क्या बोलते हैं, डेमोग्राफी, पोपियोग्राफी, टीनोग्राफी या ओलिगोग्राफी, स्टडी ऑफ पॉपुलेशन को जो है ना डेमोग्राफी बोलते हैं। इंक्रीज इन नंबर ऑफ पॉपुलेशन विथ रिस्पेक्ट टू मेंबर ऑफ अ पॉपुलेशन, इंक्रीज इन नंबर ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन का जो नंबर जो है ना वो इंक्रीज हो रहा है, तो इंक्रीज हो रहा है तो क्या होगा, बर्थ रेट होगा या डेथ रेट से होगा या बोथ होगा या नन ऑफ दिस होगा, डेथ रेट से पॉपुलेशन हमेशा डिक्रीज होगा, बर्थ रेट से हमेशा पॉपुलेशन इंक्रीज होगा, तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो इंक्रीज हो रहा है तो आंसर यहाँ पे क्या होगा, बर्थ रेट होगा। नेक्स्ट है ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रोपोर्शन ऑफ डिफरेंट एज ग्रुप इन ए पॉपुलेशन, एज रिस्ट्रिक्शन, एज पिरामिड, पॉपुलेशन एज या ऑल ऑफ दिस,
ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया जाता है उसको बोला जाता है एज पिरामिड। बर्थ रेट ऑल्सो कॉल्ड, बर्थ रेट को और क्या बोलते हैं, नेटैलिटी रेट, मोर्टैलिटी रेट या बोथ या नन ऑफ दिस। बर्थ रेट को नेटैलिटी रेट बोलते हैं और डेथ रेट को मोर्टैलिटी रेट बोलते हैं। नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पेसिस इंटरिंग इन ए हैबिटेट फ्रॉम एल्सवेयर। एल्सवेयर कहने का मतलब है ना कहीं और से कोई आया तो उसको क्या बोला जाएगा, इमाइग्रेशन, इमाइग्रेशन, बोथ या नन ऑफ दिस। कहीं से जो है ना कोई आया, सपोज वो यहाँ था, अब यहाँ पे आया तो इस एरिया में जो है ना पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ, इस एरिया में पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ और यहाँ पे डिक्रीज हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे डिक्रीज हो गया ना और यहाँ पे इंक्रीज हो गया, और इसको जो है ना इसको बोलेंगे इमाइग्रेशन। और यहाँ से अगर पूछा जाता तो इसको बोला जाएगा इमाइग्रेशन, यहाँ से पूछा जाएगा तो इमाइग्रेशन, और यहाँ पे पूछा जाएगा ना तो इमाइग्रेशन, और पूछा यहीं पर का जा रहा है, पूछा यहीं पर का जा रहा है तो यहाँ पे आंसर होगा इमाइग्रेशन। बोथ स्पेसिस इन ए बेनिफिट, दोनों स्पेसिस जो है ना बेनिफिट में है उसको क्या बोला जाता है, म्यूचुअलिज्म, कंपटीशन, प्रीडेशन या पैरासिटिज्म। दोनों स्पेसिस को बेनिफिट होता है उसको बोला जाता है म्यूचुअलिज्म। कंपटीशन में जो है ना दोनों स्पेसिस जो है ना दोनों स्पेसिस को बेनिफिट नहीं होता बल्कि लॉस होता है, अगर लॉस से रिलेटेड है तो कंपटीशन होगा। और प्रीडेशन और पैरासिटिज्म में जो है ना एक स्पेसिस जो है ना बेनिफिट में होगा और दूसरा स्पेसिस जो है ना लॉस में होता है, दूसरा स्पेसिस लॉस में होता है। वन स्पेसिस बेनिफिट एंड अदर नोट हार्म, एक को बेनिफिट हो रहा है और दूसरा को जो है ना कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। कमेंसलिज्म होगा, अमेंसलिज्म होगा, पैरासिटिज्म होगा या ऑल ऑफ दिस होगा। एक को बेनिफिट हुआ दूसरे को हार्म नहीं हो रहा इसको बोला जाता है कमेंसलिज्म। अमेंसलिज्म में जो है ना एक स्पेसिस को हार्म नहीं होता है लेकिन दूसरा स्पेसिस को बेनिफिट नहीं होता बल्कि लॉस होता है, अगर बेनिफिट के जगह पे अगर लॉस रहता तो आंसर यहाँ पे जो है ना अमेंसलिज्म होता। और पैरासिटिज्म का मतलब तो आप लोग जान ही गए हैं, एक एक जो है ना एक प्लस में होगा और एक माइनस में होगा, यानी एक बेनिफिट में होगा और एक लॉस में होगा। ऑब्जेक्टिव जो है ना समाप्त हो गया। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।